मॉर्निंग स्पेशल में बात प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे की। आज दूसरा दिन है इस दौरे का, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो में शानदार स्वागत किया गया। शाम को पीएम ने मशहूर गंगा रामया मंदिर में पूजा पाठ किया। श्रीलंका दौरे के पहले ही दिन यहां की रंग बिरंगी आभा और दिलकश स्वागत ने पीएम मोदी का दिल जीत लिया। गुरुवार शाम पीएम मोदी कोलंबो के गंगा रामया मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। मंदिर के मुख्य भिक्षु ने उनकी अगवानी की। करीब 120 साल पुराना गंगा रामया मंदिर बेरा झील के किनारे स्थित है। यह पूरा इलाका पर्यटन और धार्मिक कार्यक्रमों का बड़ा केंद्र है। गंगा रामया मंदिर पहुंचे पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलन समारोह में हिस्सा लिया और मंत्रोच्चार के बीच भगवान बुद्ध के संदेशों को याद किया। कोलंबो की बेरा झील और गंगा रामया मंदिर में वेसक महोत्सव मनाया जा रहा है, जो हिंदी के वैशाख का बौद्ध नाम है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर होने वाले इस महोत्सव के लिए झील के चारों तरफ इसमें तैर रही नावों और मंदिर को बेहद खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया था। बुद्ध के चेहरे से शांत इस जगह के कोने कोने में रचे बसे अध्यात्म को पीएम मोदी ने जी भरकर महसूस किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपनी खुशी ट्विटर के जरिए जाहिर की। मंदिर के कार्यक्रम के बाद मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से भी मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी का विमान कोलंबो एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर श्रीलंकाई पीएम रानिल विक्रमसिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। श्रीलंका यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी कैंडी में एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये अस्पताल भारत के सहयोग से बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय मूल के तमिल समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का श्रीलंका दौरा दक्षिण एशिया में भारत के कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि दक्षिण एशिया में जिस तरह से चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने चीन को भी एक तरह से सबक सिखा दिया। चीन की चालबाजी नाकाम, श्रीलंका में मोदी की कूटनीतिक फतह, कोलंबो में चीन की पनडुब्बी को नो एंट्री। इधर पीएम नरेंद्र मोदी श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय वेसक समारोह में शामिल हो रहे थे। उधर चीन की आंखों में दो पड़ोसियों के रिश्ते खटक रहे थे। पिछले कुछ सालों में चीन ने श्रीलंका में भारी निवेश किया है, जिसके चलते वो श्रीलंका से भारत की बजाय ज्यादा बेहतर संबंधों के गुमान में आ गया है। संबंधों के इसी भ्रमजाल में फंसा चीन दबंगई दिखाने के लिए कोलंबो बंदरगाह में अपनी पनडुब्बी खड़ी करना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी में श्रीलंका ने चीन को झटका दे दिया। चीन ने श्रीलंका से कोलंबो बंदरगाह में अपनी पनडुब्बी खड़ी करने की इजाजत मांगी थी। 16 मई के आसपास अपनी पनडुब्बी कोलंबो लाना चाहता था चीन। भारत की चिंताओं का हवाला देकर श्रीलंका ने चीन को इजाजत देने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2014 में श्रीलंका ने चीन को कोलंबो में पनडुब्बी खड़ी करने की इजाजत दी थी। दरअसल चीन भारत के पड़ोसी देशों में भारी निवेश के जरिए उनसे अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसकी बदौलत भारत के पड़ोसियों पर अपना दबदबा कायम करके चीन भारत को घेरना चाहता है, लेकिन ये चीन भूल गया है कि भारत और श्रीलंका के सदियों पुराने संबंध और साझा संस्कृति कारोबारी फायदों तले इतनी आसानी से दबने वाली नहीं। पीएम मोदी की मौजूदगी में श्रीलंका ने चीनी पनडुब्बी को अपने बंदरगाह पर खड़े होने की इजाजत नहीं देकर श्रीलंका ने चीन को इसका साफ संकेत दे दिया है। हालांकि ये भी सच है कि भारत और श्रीलंका के बीच तनाव के कई मुद्दे अभी भी कायम है। मसलन श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों की मुश्किलें, दोनों देशों के मछुआरों से संबंधित समस्या,
श्रीलंका में भारतीय निवेश के अनुकूल माहौल नहीं होना। It was told that no talk regarding the Tamil Nadu fishermen issue, especially Indian fishermen issue. So it is against Tamil Nadu. हालांकि कोलंबो बंदरगाह में 70 जहाजों की आवाजाही भारत से ही होती है, लेकिन श्रीलंका में एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे और बंदरगाह के निर्माण में चीनी निवेश भारत से काफी आगे बढ़ चुका है। इसके बावजूद सांस्कृतिक रिश्तों की सदियों पुरानी डोर दोनों देशों को एक दूसरे से बांधे हुए है, जो चीन को खटकता रहता है। पीएम मोदी के ताजा श्रीलंका दौरे का मकसद रिश्तों की इसी डोर को और भी मजबूत करना है। आज तक ब्यूरो। दरअसल दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता दबदबा भारत के लिए चिंता का सबब हमेशा रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश यही रही है कि भारत के आसपास जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों को नई दिशा दी जाए जिसमें मजबूती हो। न हम आग झुका करके बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखा करके बात करेंगे। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के शुरुआती दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति को लेकर राय साफ कर दी थी, खासतौर पर दक्षिण एशिया के नजरिए से। बीते 3 सालों में दिखी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कवायद पीएम मोदी की इसी कूटनीति का हिस्सा है। दरअसल दक्षिण एशिया में भारत की समस्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जबकि पाकिस्तान से रिश्तों में तल्खी बढ़ी है, और दूसरी तरफ भारत को घेरने की कोशिश में चीन पाकिस्तान को लगातार शह दे रहा है, तो दूसरी ओर भारत के बाकी पड़ोसी देशों को भी लुभाने की जुगत में लगा है। लेकिन चीन की इस चाल को नाकाम करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आतंकी पनाहगार बने पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम जारी है, दूसरी तरफ पड़ोसी देशों से संबंध लगातार मजबूत करने की मुहिम भी जारी है। दक्षिण एशिया के बाकी देश भी विकास की राह में भारत की बराबरी से कदम ताल कर पाए, ये भी पीएम मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। हाल ही में लॉन्च हुआ सार्क सैटेलाइट पीएम मोदी के इसी एजेंडे और विजन का सबूत है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भारत की ताकत का फायदा पड़ोसी देशों को देने का जो वादा पीएम मोदी ने किया था उसे 2 साल में ही पूरा कर दिखाया। भारत की सौगात की मदद से छोटी अर्थव्यवस्था वाले दक्षिण एशियाई देश भी संचार, टेलीमेडिसिन और मौसम के क्षेत्र में विकसित देशों जैसी सुविधाएं पा सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए चीन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, ऐसे में इन देशों को भारत के लिए ये बेहद जरूरी था कि अपने पड़ोसियों को चीन पर निर्भर होने से रोककर उन्हें अपनी तरफ से मदद मुहैया कराए। सार्क सैटेलाइट इस दिशा में बेहद कारगर कदम है। आज तक ब्यूरो।